ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप के न्यू हिम्मत सिंह के न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, आप सभी ने देखा होगा अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर जो है हिम्मत भाई ने फोटो अपलोड किया है। तो गाइस, आप लोगों का इसमें डिमांड आया था कि भाई हमें इसका फोटो एडिटिंग चाहिए। तो गाइस, मैंने सोचा कि ना आप सभी का कहने पर ये वाला ट्यूटोरियल ला दिया जाए। तो गाइज, वैसे भी मैं आपके कहने का जो ट्यूटोरियल होता है वही मैं लेकर आता हूँ। तो गाइज, आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड गाइज, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर देना भाई। गाइज, इस वीडियो में जितने भी वैगन पिंजिस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग ईजिली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज, आपसे इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाइज, इसमें जो हमारा जो वीडियो है इसमें गाइज कलर ग्रेडिंग वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आपको उस वाला स्टेप जो है बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि गाइज जब तक आप वाला स्टेप नहीं देखोगे आप फोटो को सेम टू सेम एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइज, वाला स्टेप जरूर देखना। बाकी गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए, आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोग को जो है अपना मॉडल के साथ अपना मॉडल है उसका फोटो को जिस तरीके से क्लिक करवा लेना है। देन गाइज, आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मॉडल को लेकर ड्रॉ टूल में। देन गाइज, आपको लेना है इरेजर टूल एंड यहाँ पे गाइज साइज कुछ अपना को इतना रख लेना है। एंड गाइज, जो इसकी हार्डनेस होगी इसको रख लेना आपको 90 तक, ठीक है, 90, आप 95 तक भी रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको सेट करके आपको यहाँ पे फोटो को जूम करके यहाँ पे आपको फटाफट से बैकग्राउंड को इरेज कर देना है। तो मैं इसको फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस, बैकग्राउंड को रेस करने के बाद आपको जो क्या करना है, आपको फिर इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस, जाना आपको ऐड फोटो में। गाइस, यहाँ से ऐड करना आपको अपने मॉडल को जिसका आपने अभी बैकग्राउंड रेस किया था। देन गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो गाइस, इसमें थोड़ी सी जो ब्राइटनेस वगैरह है और जो शेडो वगैरह है वो ज़्यादा है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा एडजस्ट में। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें जाना होगा शेडो वाले ऑप्शन में। एंड शेडो वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे तो जो हमारी फोटो की डिटेल्स होंगी वो वापस आ जाएंगी, ठीक है। एंड गाइज, अगर फिर भी ना आए तो आपको अब यहाँ पे इतना कर लेना है, बाकी जो लाइट रूम में होगा उसको तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर ही लेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम अपने मॉडल की ओपेसिटी जो कम रखेंगे एंड यहाँ पे इरेजर टूल में जाके हार्डनेस को फुल रख के, एंड यहाँ से जो गाइज वेस्ट वाला एरिया, जैसे गाइज ये हैंड वाला हमें फ्रंट की तरफ चाहिए तो हम इसको जो बैक की तरफ पहुँचाना, तो उसके लिए हम इसे रेज कर लेंगे फटाफट। तो मैं इसको थोड़ा फटाफट करता हूँ यहाँ पे। सो गाइज, हमारा जो इतना काम हो चुका है तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइज, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से हम ऐड करेंगे एक विगनेट का पीएनजी, क्योंकि
क्योंकि गाइस इसको क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन करा कुछ स्टेप से रख देंगे ताकि जो है नीचे की तरफ ब्राइटनेस वगैरह आ जाए एंड वो मतलब बिगिनेट वगैरह आ जाए एंड उसके बाद जो हमारी फोटो एकदम मैच हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे इसको डन करते हैं एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको जाना गाइस ऐसे टूल्स में, फिर आपको जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे सैचुरेशन वाला ऑप्शन में जाना है एंड इसका सैचुरेशन माइनस कर देना ताकि जो आपके दोनों मॉडल होंगे उनके जो सैचुरेशन होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम इसको यहाँ फिलहाल डन करते हैं एंड इसके यहाँ पे हम अपनी सेव कर लेते हैं फोटो को एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। एंड गाइस लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। आपको यहाँ पे गाइस क्या करना है, आपको उसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम करना है, हाईलाइट है जो गाइस इसको थोड़ा कम करना है एंड जो गाइस शेडो है इसको भी थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो व्हाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा कम करना है एंड जहाँ पे ब्लैक है इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस कलर्स वाला ऑप्शन में। आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, हल्का सा फोटो का जो टेम्परेचर है उसको कम करना है ताकि फोटो में जो है ब्लू टोन आ जाए। देन आपको जाना मिक्स में, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन माइनस करना है एंड जो ल्यूमिनेंस है उसको यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस यहाँ से डार्क ब्लू में, आपको इसको यहाँ पे सैचुरेशन माइनस कर देना है अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा। अगर चाहिए हो तो आप यहाँ पे ह्यू चेंज करके आप कोई भी कलर रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको जाना है स्काई ब्लू में, आपको उसका ह्यू चेंज करना है एंड उसके बाद आपको जाना है येलो कलर में, आपको इसका सैचुरेशन माइनस करना है एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की जो क्लियरिटी है इसको इंक्रीज करना है एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग डालना है विग्नेट एंड देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपका मिला ग्रीन माउंट, आपको इसको बढ़ाना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में। आपको यहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में थोड़ा सा नोड रिडक्शन डालना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो जो एकदम कितनी अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके तो गाइस आप इन दोनों वीडियो में से किसी वीडियो पर क्लिक करके आप मेरी कोई भी वीडियो को वॉच करो एंड अगर इसके अलावा आप मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हो गाइस आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करो एंड वहाँ पर जाकर आप कोई भी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।